लव मात्र 3 बाण बहुत अच्छे लव अब मेरा कौशल देखो ये लो किंतु स्मरण रहे पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा रहा है जैसे कोई आगे है आशा है वो जो भी हो मेरा मित्र हो मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं उसी दानव की ध्वनि होगी यहां तो अनेक कंदराएं हैं रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है धूम्र भी निकल रहा है ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए आशा है वहां सब सकुशल होंगे करो वार कुश किंतु मात्र 3 बाण अश्व तो विचलित होकर भाग रहा है ये ध्वनि सावधान कुश अश्व बचो कुश इतना सुंदर अश्व इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है प्रतीत हो रहा है कि ये साधारण अश्व नहीं है आओ देखते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है किंतु ध्वनि तो इधर से ही आई काकाश्री वो देखिए बाण कहीं हमारा अश्व संकट में ना हो हमें अश्व का शीघ्र ही ढूंढना होगा सब विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ कालजीत जी आप सीधे जाकर देखिए मैं दाएं जाता हूं और कुछ सैनिक बाएं ओर जाकर ढूंढो और पुष्कल तुम सेना के साथ यहीं रुककर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग रहो जो आज्ञा का काकाश्री Thank you.
तीव्रता से। हाँ कुश, और तीव्रता से। किंतु आगे तो खाई है। अब हम अशोक को पकड़ ही लेंगे। उस दानव को ढूंढने में ही बहुत समय निकल जाएगा। मुझे स्वयं ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि वो स्वतः ही बाहर आ जाए। भजन पूजन आदि धार्मिक कार्यों का विरोधी है ये। इस दानव को बिल से बाहर निकालने के लिए यही उक्ति सर्वोत्तम होगी। सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम राम। बंद करो ये भजन अजन। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। तीन बंधु यदि तुमने भजन गाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी श्वासों को मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगा। ताराम सीताराम तुम ऐसे नहीं मानोगे ठीक वानर। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ मेरा पाओ। दानव श्रेष्ठ, यदि भजन आरंभ हो जाए तो बीच अंतरे में बंद नहीं कर सकते। यदि तुम कहो तो संपूर्ण रामायण सुना दूं तुम्हें, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा वानर, तुम्हें उद्धृत करके। पहले अपना पांव तो छुड़ा लो। अच्छा, हाथ भर के हो और मुझसे परिहास कर रहे हो तुम। पाँव छोड़ो मेरा, अन्यथा इस दृश्यता के लिए क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे तुम। तुम स्वयं ही छुड़ा लो। दूर्द्वानर! लो भुक्त तो अपनी दृष्टिता का परिणाम वानर। इतना क्रोध उचित नहीं है दानव श्रेष्ठ। प्रभु राम जी के नाम पर तो मैं पूरा भजन गा सकता हूँ। फिर परिहास मूर्ख वानर।
तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके साथ हास परिहास करने का दुस्साहस कर रहे हो। जिन आश्रमों में भजन पूजन होता था उनको ध्वंस कर दिया है मैंने, अनेक ऋषि मुनियों का अंग भंग किया है मैंने, और तुम तो मात्र एक तुच्छ वानर हो। यदि मैंने सभी त्रिशूल चला दिए तो क्षण भर में ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें। बस अब अगले ही क्षण में मैं इस अश्व से आगे निकल जाऊंगा। मैं भी अब वश में करना है इसे। पकड़ लिया हमने। इस अश्व के कारण मेरा ध्यान लक्ष्य से भटक गया था, फिर भी इसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। देखो ना कितने सुंदर आभूषण हैं इसके। ये चिन्ह बता रहे हैं कि अवश्य ही ये किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्व है जो भटककर इस ओर चला आया है। लव, देखो यहाँ पर कोई संदेश है। क्या संदेश है? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व है। जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा माता सीता का त्याग। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अश्व श्री राम का है और हमने इसे पकड़ लिया है। यज्ञ की अग्नि मध्यम हो रही है। कुछ तो हुआ है अश्व के साथ। ये बालक, ये तो वही है जिन्होंने अपने रामायण के पाठ से हम सबके हृदय को मोह लिया था। लव और कुश, किंतु इन्होंने अश्व को क्यों पकड़ा? कहीं अपने बालपन में कोई बड़ी भूल न कर बैठे। रुक जाओ बालको, ये तुम दोनों अनुचित कर रहे हो। मुक्त कर दो अश्व को। पूर्व काल में भी तुम दोनों ने हमारी सेना को रोकने की भूल की थी। अब तुम और भी बड़ी भूल कर रहे हो बालकों। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, कोई क्रीड़ा वाला अश्व नहीं है। इसे बांधने का परिणाम की चिंता दुर्बल करते हैं। हम किसी परिणाम से भयभीत नहीं होने वाले। बालक हो इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह साधारण अश्व नहीं है, धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ अश्व है। इसे रोकने का अर्थ है प्रभु श्री राम का विरोध। पग पग पर साथ देने वाली अपनी पत्नी के साथ अधर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने निकले हैं। वो श्री राम होंगे आपके प्रभु। हमारी दृष्टि में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है। ऐसे श्री राम का राम राज्य नहीं चाहिए हमें।
हम मुक्त नहीं करेंगे अश्व को। ये बालक तो धृष्टता कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल किसने की और परिणाम क्या हो सकता है, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा आपको और उन श्री राम को भी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। प्रतीत होता है ये दोनों बालक वही हैं जिन्होंने कमल उद्यान से पुष्प चुराने का दुस्साहस किया था। हनुमान को ज्ञात होगा तो बहुत दुख होगा। परंतु और सब कहाँ है? और हनुमान को तो इस वक्त अश्वक के साथ होना चाहिए। कहाँ है हनुमान? अब देखो वानर, कैसे मेरे त्रिशूल तुम्हारी देह को टुकड़ों में विभक्त करते हैं। जय श्री राम। ये क्या, ये वानर शहस्त्र त्रिशूलों के वार से कैसे बच गया? इस वानर ने मेरे त्रिशूलों को मुझ पर ही वार करने के लिए बाध्य कर दिया। कोई भी वरदान तुम जैसे अधर्मियों की रक्षा नहीं कर सकते त्रिशूल रोम। ये क्या, अश्व बंधन में? प्रतीत होता है अश्व संकट में है। मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां। हाँ आइए, ले लीजिए अश्व को। ये क्या किया तुम दोनों ने? अब भुगतो परिणाम। अवश्य ही ये इन्हीं प्रतापी माता पिता के पुत्र हैं जो ऐसा अद्भुत युद्ध कौशल सीख पाए। भले ही ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं किंतु ना जाने क्यों ये मुझे शत्रु नहीं अपने ही लग रहे हैं। किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, इनका ये युद्ध कौशल कोई काम नहीं आएगा। कदाचित इन्हें ज्ञात नहीं है कि आगे इनका सामना शत्रुघ्न पुष्कर और महाबली हनुमान से होने वाला है। मुझे शीघ्र ही अश्व की सुरक्षा के लिए पहुंचना होगा। चलो कुश। आप मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता। कुछ भी जो दूसरों को आहत दे वो मुझे आहत नहीं कर सकता। ये दानव इतने भयानक विस्फोट के पश्चात भी जीवित बच गया। वानर,
इतनी सहज नहीं है त्रिशूल राम की मृत्यु। अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे थे मुझे मृत समझकर? मैं श्री राम भैया का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र मुक्त करो इस अश्व को। अब यह भी जान लो कि श्री राम की पूरी सेना युद्ध के लिए सज्जित खड़ी है, केवल मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। इसलिए अब शीघ्र अश्व को मुक्त कर दो, ये कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। बालक हो इसलिए अश्व को बंदी बनाने की गंभीरता को नहीं समझ सकते तुम। अश्व को बंदी बनाने का अर्थ है राम भैया का अपमान। ऐसे व्यक्ति का क्या मान और क्या अपमान जिसने अपनी निरपराध पत्नी को वन में छुड़वा दिया। अबोध बालक हो तुम, स्थिति की जटिलता को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा कारण था जो भैया राम ऐसा करने को विवश हुए, किंतु उसके पश्चात उन्होंने भी अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। तो जाकर माता सीता को ढूंढिए, उन्हें कहिए ये सब, ना जाने वन में कहां कहां भटक रही होंगी वो, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ रहे होंगे उन्हें। बस बस, आज कोई विचित्र सी व्याकुलता क्यों हो रही है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। बहुत समय से लव कुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहां गए वो दोनों? भीड़ता छोड़ो बालको, भैया राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है ये, शीघ्र मुक्त करो इसको, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेना पड़ जाए मुझे। शत्रुघ्न जी, आपके किसी निर्णय से भयभीत नहीं होने वाले हम। अश्व को मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है हमने। रही बात श्री राम की सेना की, तो इतना समझ लीजिए कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ही नहीं उनकी सेना भी श्रीहीन विजयहीन हो गई है। कदाचित श्री राम को भी इसका आभास हो चुका होगा अब तक। बस, अबोध बालकों को इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती, अपनी मर्यादा में रहकर बात करो बालको। मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है जिन्हें सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें ना उनसे भय लगता है और ना ही उनकी सेना से। तुम्हारी वीरता देखी है मैंने, सम्मान भी करता हूं उसका, इसीलिए तुम्हें अब तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक बार सेना को पराजित करके कुछ अधिक ही आत्मविश्वास में आ गए हो तुम दोनों, कहीं ऐसा ना हो कि यही आत्मविश्वास तुम्हें। समझाना छोड़िए, बाण चलाइए अपना, या फिर मेरे बाणों का प्रत्युत्तर दीजिए। बहुत समय बीत गया लेकिन काकाशी का कोई संकेत नहीं, क्या करूं मैं? संभालिए अपना धनुष।
कदाचित आपने हमें बालक समझा या स्वयं को कुछ अधिक ही समझ बैठे। जो भी है उसे छोड़िए, श्री राम का अपमान हुआ है ना? तो जाइए और उन्हें भेजिए हमारा सामना करने के लिए। बस मेरे सहनशील तक सीमा लांग चुके हो तुम दोनों। पाल को बंद करना मेरे लिए उचित नहीं, किंतु कदाचित तुम आहत हुए बिना मानोगे नहीं। कहीं ये पवन अस्त्र इन मुनि कुमार को आहत न कर दे। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या प्राप्त होगा मुझे, जिसे संपन्न करने के लिए किसी सूर्यवंशी को आश्रमवासी बालकों के विरुद्ध दिव्यास्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़े। हे माता, मेरी आपसे गुहार और प्रार्थना है कि मेरे दोनों पुत्र को शीघ्र ही उनके पिता का सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हो। दीपक की ज्योति क्यों विचलित हो रही है? वायु भी तीव्र नहीं है, कोई अनिष्ट के संकेत है ये? कदाचित मेरे लवकुश पर कोई संकट तो नहीं है? हनुमान पुत्र कहाँ हो तुम? अब इसे कहीं और भागने नहीं दूंगा मैं। हनुमान पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर, कदाचित संकट में है वो। कभी अश्व पर संकट का आभास हो रहा है मुझे, तो कभी लवकुश को संकट से बचाने के लिए कहती हुई माता सीता की गुहार सुनाई दे रही है मुझे। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, किंतु मैंने उन ऋषिवर को वचन दिया था। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए। इसलिए किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु का भेद जानकर ही इसका अंत करना ही होगा मुझे। धर्म की रक्षा करने वाले वानर, शपथ है मुझे, तुम्हारा अंत करने के पश्चात धर्म के अनुयायियों को मिटा दूंगा मैं इस धरती से। कोई आश्रम कोई यज्ञ नहीं बच पाएगा इस संसार में। अगर कोई रहेगा तो एकमात्र त्रिशूल राम होगा। त्रिशूल की शक्ति के साथ ही वरदान भी है मुझे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ भी ऐसा जिससे किसी दूसरों को आहत किया जा सके उससे मुझे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। वानर मैं त्रिशूल रोम अविजित था और अविजित रहूंगा। वानर इस धरती का कोई भी योद्धा अपने किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा संहार नहीं कर सकता, कदापि नहीं। त्रिशूल रोम हूँ मैं। बुरे का अंत होकर ही रहता है त्रिशूल रोम। प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारी मृत्यु का कोई न कोई उपाय ढूंढ कर मैं तुम्हें वैदिक यज्ञादि में विघ्न डालने से और धर्म पालकों को पीड़ा पहुंचाने से रोक कर ही रहूंगा। तुम स्वयं मुझे अपने मृत्यु का भेद बताओगे राक्षस? अवश्य ही कोई असाधारण दिव्य वानर है, कदाचित मेरी भलाई यहाँ से भागने में ही है। सखा हुँ?
यदि वास्तव में इसने मुझे बंदी बना लिया और मेरी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लिया तो महासंकट छा जाएगा मुझ पर। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। अपने बाणों से इस पवन अस्त्र को रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे इसके ऊपर चढ़कर ऊंचाई से शत्रुघ्न जी पर अपने बाण लक्षित करने चाहिए। शीघ्र ही तुम्हारा अंत करके लौट जाऊंगा मैं। इस वानर के विभिन्न भयंकर रूप देखकर क्यों भयभीत हो गया मैं? मेरे वध का तो कोई उपाय ही नहीं, ये तो क्या कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। ये राक्षस लघु आकार क्यों ले रहा है? शीघ्रता से लौटने के लिए तुम तत्पर हो गए वानर, किंतु मुझे शीघ्रता नहीं है। यदि तुम मेरा अंत चाहते हो तो पीछा करो मेरा, ढूंढो मेरे वध का उपाय, अन्यथा तुम्हारे साथ यहाँ धर्म कर्म और यज्ञ आदि का अंत करूंगा मैं। ये तो अपने लघु आकार में कंदरा के भीतर चला गया। मेरे बाण तो इस पवन अस्त्र के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा बाण शत्रुघ्न जी को आहत करने ही वाला था। एक और बाण चलाता हूँ। काका शत्रुघ्न की माला, कहीं उनका अनिष्ट तो नहीं हुआ? शक्ति से प्रभावित हो रहा है कुछ। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। ओह, तो कुछ ने मुझे इसलिए दूर भेजा जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं और वो इसका प्रहार अपने ऊपर ले ले? नहीं, मैं कुछ को कुछ नहीं होने दूंगा।
कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुश, हट जाओ। ये क्या कोई अनिष्ट का संकेत था माता? जो पुष्प मैं आपको समर्पित करने वाली थी वो उड़कर दूर क्यों चला गया? दोनों में से किसी का भी कोई अहित हो तो मैं क्या करूंगी, क्या कहूंगी स्वामी से कि मैं हमारे पुत्र को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकी? अश्वमेध यज्ञ का ये परिणाम तो नहीं चाहता था मैं। इन दोनों में से किसी को भी घातक आघात लगा तो इनके माता पिता जो भी हो, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा।